उत्तर प्रदेश में दुष्कर्म की घटनाओं पर सरकार की सख्ती के बाद भी दुष्कर्म के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हरदोई जिले के शाहबाद कोतवाली इलाके में एक 36 वर्षीय विवाहित महिला के साथ एक सप्ताह पूर्व गैंगरेप का मामला सामने आया है। स्थानीय स्तर पर कोई सुनवाई नहीं होने के बाद पीड़ित महिला ने पूरे मामले की शिकायत जब एसपी से की तो उसके बाद एसपी के निर्देश पर गैंगरेप का मामला दर्ज किया गया है। पीड़ित महिला ने एक सप्ताह पूर्व गांव के अनिल, ब्रजेश और एक अन्य व्यक्ति पर खेत में खींचकर जबरन गैंगरेप करने का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज पीड़ित महिला को मेडिकल के लिए भेजा है। पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पूर्व पीड़ित महिला और आरोपियों के बीच गेट रखने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मुकदमे दर्ज कराए थे। अब गैंगरेप का मामला सामने आने के बाद पूरे तथ्यों की जाँच के बाद मामले में कार्यवाही की जाएगी। थाना शाहबाद की एक पीड़िता एसपी महोदय के समक्ष प्रस्तुत हुई थी, जिसने तीन लोगों को खीरे के खेत में ले जाकर के रेप करने का आरोप लगाया था। इस संबंध में थाना शाहबाद पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया है। जांच करने पर पता चला है कि दोनों पक्षों वादी प्रतिवादी दोनों में एनसीआर पहले दर्ज है और उसमें पुलिस ने चार्जशीट लगाई है। रेप के मामले को और दोनों मामलों को देखा जा रहा है, जिसमें गेट लगाने का मामला एक सामने आया है। पुलिस इसमें जांच करके आवश्यक कार्रवाई कर रही है। स्वविवेक का इस्तेमाल करते हुए जिस तरह से पुलिस अधीक्षक ने तत्परता दिखाते हुए मामला दर्ज कराया और एक जागरूक और संवेदनशील प्रशासन का चेहरा समाज के सामने प्रस्तुत किया है, निश्चित तौर पर सराहनीय है और जांच रिपोर्ट के बाद की कार्यवाही भी पुलिस प्रशासन की छवि को सुधारेगा। द पंचौरा न्यूज के लिए हरदोई से आशीष सिंह की रिपोर्ट। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जुड़े रहिए अपने शहरों की खबरों के संसार के साथ, पंचौरा न्यूज़ के साथ।